गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार। आप देख रहे हैं टेरिस एंड गार्डनिंग टिप्स। हम आपको बताएंगे कि अगर टमाटर फल फूल नहीं रहा है बढ़िया से तो क्या करें। देखिए इस तरह की खाद बनाई। ये देखिए, ये बर्मी कंपोज है, ये नीम खली पाउडर, ये सरसों खली पाउडर। इसको हम आपस में खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नीम खली जो है पौधों के रूप में फंगस नहीं लगने देता है, जिससे पौधे मरते नहीं हैं, पौधों का ग्रोथ भी बराबर करता है। मस्टर्ड केक जानते हैं फल फूल लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो सरसों की खली होती है उसे पौधों में डालने पे फल फूल अच्छी तरह से आते हैं। इस तरह से अच्छी तरह मिलाने के बाद एकदम कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो, बराबर मिले। ये देखिए, ये टमाटर की मिट्टी को पहले कुड़ाई करेंगे, उसके बाद ये खाद मिलाएंगे और फिर पानी डाल देंगे। देखिए मिट्टी लग रही है सूखी, लेकिन अभी एकदम स्मूथ है। इसी तरह से आप भी मिट्टी बनाएं कि पानी दो दिन ना भी डालें तो मिट्टी इस तरह से हाथ में आ जाए। इस तरह से वेल्ड्रेन मिट्टी होती है जिसमें पौधे अच्छी तरह ग्रोथ करते हैं। आइए पहले इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करते समय पौधे से 3 से 4 इंच दूर ही करें कि शोर जो है इनकी स्टेम ना कटे, रूट डैमेज ना हो। देखिए दोस्तों, इस तरह से जड़ में डालिए और इसको अच्छी तरह से हम मिला देते हैं। चारों ओर अच्छी तरह से मिला देंगे। कि खाद एकदम बराबर चारों ओर मिट्टी में हो जाए। दोस्तों हमारे गमले में मिट्टी काफ़ी नीचे है तो इसमें थोड़ा और खाद मिली हुई मिट्टी डाल देंगे ताकि थोड़ा और इनको रूट डेवलप होने के, यहाँ तक रूट डेवलप होने का। देखिए ये रूट जो है बाहर हैं इनके, ये रूट देखिए ये सब बाहर निकल रहे हैं। तो गमले में मिट्टी कम हो गई है धीरे धीरे बैठ के, तो इसमें थोड़ा हम खाद डालने के बाद और गमलों के लिए जो मिट्टी तैयार किए हैं 2 इंची और भर देते हैं, खाद ढक भी जाएगी। उसके बाद जो पानी डालेंगे खाद अंदर ही रहेगी और जो है पानी में मिल के पौधों को तुरंत मिल जाया करेगी। जब भी आप खाद डालें तो सिर्फ ऊपर रख ना दें, उसको मिट्टी में ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ऊपर जो रह जाती है वो पौधों को मिल नहीं पाती। जब तक अंदर नहीं जाएगी पौधों को नहीं मिलेगी खाद। इसलिए गुड़ाई करें, उसके बाद खाद डालें और फिर अच्छी तरह से उसे मिलाने के बाद पानी डाल दें। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि टमाटर में फल फूल नहीं आ रहे हैं। अगर फल फूल नहीं आ रहे हैं तो आप जो है सरसों की खली लाएं, उसे 2 दिन के लिए पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद जो है अपने पौधों में डालें, 10 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिलेगा कि पौधे अगर बड़े हो चुके हैं तो फूल से भर जाएंगे। फूल जब लग जाए टमाटर में तो बहुत लोगों की शिकायत होती है कि फूल झड़ रहे हैं। फूल झड़ने के कुछ कारण है, या तो पौधों में कोई बीमारी हो, या न्यूट्रिशन की कमी हो, या जब फूल आते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा केयर करने लगते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधा बढ़ने में अपना टाइम लगा देगा और फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, हमने जो बैंगन में खाद डाला था उस खाद की वजह से देखिए अब इतने बड़े बड़े बैंगन आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए,
इधर भी देखिए लग रहा है, एक ही पेड़ में 1, 2, 3, 4, 5 एक 6 बैंगन लगे हुए हैं। इस वाले में भी देखिए बढ़ना शुरू हो गया है। अब देखिए ये गोल वाला बैंगन है, भूरा भूरा ही होता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है लेकिन भूरा भूरा होता है, लेकिन अच्छा केयर करते हैं तो बहुत सारे बैंगन आपको खाने को मिल सकते हैं। इसको लगाए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया, फल आना चालू हो गए हैं। इसमें आज हम खाद डालने वाले थे लेकिन मिट्टी ज़्यादा नम है इसलिए अभी खाद नहीं डालेंगे, एक दिन का वेट करेंगे फिर इसमें खाद डालेंगे, फिर इस पौधे का ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आती है वीडियो हमारी, तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से दोबारा वीडियो देखने के लिए आप बेल को भी दबा लें ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आपको वीडियो का समय और लोकेशन पता चल सके, आपको तुरंत ही दूसरी वीडियो मिल जाया करेगी। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी वेस्ट होता है, इसीलिए एक बार लाइक ज़रूर करें और पसंद आए तो अपनों को फॉलो, अपनों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।